Welcome to Bowl Exam. Best of luck for exams. Subscribe the Bowl Exam. Also press the bell icon. Here is your teacher and let's start the class. दोस्तों स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक डिस्चार्ज बैटरी का कारण होता है. तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, त्रुटिपूर्ण प्लेट सेपरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी है. ऑप्शन दिए हैं एक विद्युत रासायनिक उपकरण. तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव होता है. तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समान चुंबकीय परिपथ. तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं शॉर्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं. तो इसका ध्यान रख के बाकी ऑप्शन आप खुद पढ़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट के दो सिरों का क्या नाम है जहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ केंद्रित किया जाता है. तो दोस्तों उसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील की हुई बैटरी की धीमे चार्जिंग के दौरान आप बैटरी के इंडिकेटरों के किस रंग से पता लगाएंगे कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई है या नहीं. तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं सफ़ेद, लाल, हरा या काला. तो दोस्तों अगर इसमें सफ़ेद रहेगा तो वो रहेगी हाफ चार्ज, अगर रेड रहेगा यानी लाल रहेगा तो वो रहेगी डिस्चार्ज, और हरा रहेगा तो वो रहेगी फुली चार्ज. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट गुरुत्व मूल्य दर्शाता है कि बैटरी चार्ज की हुई है या नहीं. तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न सर्किट में एक सोलेनोइड का कार्य है. ऑप्शन दिए हैं हॉर्न सर्किट को बनाना और बिगाड़ना, रिले का संचालन करना, कम करंट प्रदान करना, आर्मेचर को आकर्षित करना. तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्जिंग करंट के कारण कॉइल में ईएमएफ प्रेरित होता है, इस गुण को किस रूप में जाना जाता है, रेसिस्टर, कैपेसिटर. तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल इलेक्ट्रिक करंट आपूर्ति द्वारा रिचार्ज किया जा सकता है. तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लेड एसिड सेल, जो बैटरी में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी डिस्चार्ज के दौरान इलेक्ट्रोलाइट को किसके द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है. ऑप्शन दिए हैं लेड पैराऑक्साइड, लेड सल्फेट, ऑक्सीजन, डिस्टिल्ड पानी मिलाकर. तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्टिल्ड वाटर पानी मिलाकर. यानी बैटरी डिस्चार्ज के दौरान इलेक्ट्रोलाइट को किसके द्वारा प्रतिपूर्ण किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट की जो पूर्ति की जाती है वो डिस्टिल्ड वाटर द्वारा की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशिष्ट गुरुत्व मूल्य में से कौन सा पूरी तरह से चार्ज कंडक्शन बैटरी दिखाता है. तो दोस्तों फुली चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1260 से 1280. इसको याद करना ऐसे होता है, वैसे इसको पढ़ सकते हैं 1.260, 1.280. तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व को निम्न में से किसके द्वारा मापन किया जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है उसको हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का मापन निम्न में से किस इकाई में किया जाता है. ऑप्शन दिए हैं किलोवाट, वोल्ट, एम्पियर आवर, उपरोक्त में से कोई नहीं. तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट के अशुद्ध जल में जल का प्रतिशत होता है. तो दोस्तों जो शुद्ध वाटर होता है यानी डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है. तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, 60%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन की बैटरी डैश के द्वारा चार्ज होती है. ऑप्शन दिए हैं इलेक्ट्रोलाइट, इन्वर्टर, डायनमो, प्रोक्त में से कोई नहीं. तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा कुशल लाइटिंग डैश के उपयोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है बैटरी, इन्वर्टर, सोलर सेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट कार बैटरी में सेलों की संख्या होती है। तो दोस्तों हर एक सेल की जो वोल्टेज होती है, क्षमता होती है, वो 2 होती है, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 12। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित बैटरी में उपयोग किए जाने वाले अमल होते हैं, हाइड्रोलिक अमल, हाइड्रोफ्लोरिक अमल, नाइट्रिक अमल, सल्फ्यूरिक अमल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी चार्ज की वह अवस्था जिसमें 26.7 डिग्री सेल्सियस का 1.190 की एक विशिष्ट गुरुत्व होता है, इसका अर्थ है। ऑप्शन डी है पूर्ण रूप से डिस्चार्ज, अर्ध अवेशित जैसी, 3/4 अवेशित जैसी, पूर्ण रूप से अवेशित। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3/4 अवेशित जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अमल के धनात्मक प्लेट का रंग होता है, यानी लेड जो सीसा होता है बैटरी में, उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो दोस्तों वो उसका रंग होता है ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः बैटरी की क्षमता डैश के पद में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों अगर बैटरी की कैपेसिटी जो है उसको हम देखें तो वो एम्पियर हावर में व्यक्त की जाती है, जिसको एम्पियर घंटा भी कह सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी में अमल का विशिष्ट गुरुत्व जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र होता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, मल्टीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मृत बैटरी को रिचार्ज करने की प्राथमिकता विधि होती है, तीव्र चार्जिंग, धीमा चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धीमा चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव के कारण प्राप्त विद्युत ऊर्जा वाले प्रभाव को कहते हैं, दाब विद्युत प्रभाव, दाबी प्रभाव, वैद्युत प्रभाव, कंपन प्रभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाब वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनोइड को प्रेरक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ये है विद्युत धारा में परिवर्तित बनाने के लिए, विद्युत धारा में परिवर्तन रोकने के लिए, सुविधा के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा में परिवर्तन रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर कॉइल रोटेटिंग मशीन पर कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन दी है स्थिर भाग में, रोटेटिंग भाग में, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थिर भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में प्रज्वलन स्रोत के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन दी है दाब वैद्युत ऊर्जा, फोटोवोल्टिक ऊर्जा, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाब वैद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने और लाइक करना ना भूलें। नाउ बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड कीप कनेक्टेड। बाय।